लोगों ने मेरे पीछे चाकू घोपा है। भाई बहन बनके जो है ना मेरी बुराइयाँ, मेरा ये मेरा वो जो क्या, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। मैं अपने वालिद और वालिदा को बोलूँगी, मेरे माँ बाप को बोलूँगी। मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ। व्लॉग का स्टार्टिंग मैंने कर दिया है, सब लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने सब लोगों को खिला के इब्बू को पिलाई, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने को बैठ रही हूँ। ब्रेकफास्ट में यहाँ पर पूरी एज यूजल, और यहाँ पर मैंडेटरी चाय जो होना बहुत ज़रूरी है, और एक रात का थोड़ा चिकन का सालन बचा था तो ले लिया मैंने पूरी के साथ खाने के लिए। तो अभी मैं फ़िलहाल करूँगी ब्रेकफास्ट। अलम उसके अब्बा और इब्बू को भी मैंने दूध पिला दिया है। इब्बू को भी कल बहुत ज़्यादा खांसी थी, उल्टी भी किया उसने 2-3 बार, और खांसी तो इतनी थी, भाप भी लिया कल बकायदा उसने, जो है स्टीम लिया। वैसे तो वो स्टीम नहीं लेता था और दवाई भी नहीं पीता था, ज़बरदस्ती करना पड़ता था स्टीम के लिए और भाप की दवाई के लिए। पर कल इतना उसको खांसी आया, मेरे ख्याल से वो लोग भागम दौड़ी करके खेल रहे थे तो पसीना आ गया था, वही पसीना सोक कर लिया। जब वो खांस रहा था मैंने उसका बॉडी पकड़ा तो देखा हाथ हाथ पूरा ठंडा हो गया था, तो भाग भाग के खेल लेते शायद उसकी वजह से, आई डोंट नो किस रीज़न से। तो इतनी खांसी आ रही थी कि उससे भी मतलब तकलीफ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने बोला कि भाप लेगा सुनो, तो बोले हाँ, तो उसको भाप दिया, भाप लिया चुपचाप से, फिर दवाई पिलाई मैंने बोला सुनो दवाई पी लो तो फिर खांसी कम हो जाएगा, तो इज्जत से दवाई पिया उसने। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा बेटर है, पूरा तो नहीं बेटर, थोड़ा सा बेटर है। मैं सबको नाश्ता वाश्ता करवा के मैं बैठ रही हूँ नाश्ता करने। ये देखो ये लो, तो चलिए मैं सुकून से बैठ के नाश्ता कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में एक दो कमेंट्स रिप्लाई भी कर देती हूँ जो कमेंट्स आते हैं मेरे दोनों चैनल पे, और फिर मैं आप लोगों से लेकर बाय। इधर उधर चलो, आ जाओ, बच्चे यहाँ पे देखो, चीटी लाइन पे जा रही है जमीन से, मैंने यहाँ पे रॉक हिल डाला है इधर से लाइन पे। बहुत धूप है बेटे, अरे उसको पापा, मेरे पास टाइम नहीं है पापा, तो चलो मम्मा देगी। लंच का प्रिपरेशन मैं यहाँ पे कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए पत्ता गोभी को मैं भाप दे रही हूँ, नमक डाल के उसको थोड़ा सा हाफ बॉयल टाइप कर लूँगी ताकि इसमें से जो भी बदबू हो या जो भी चीज़ें हो निकल जाए। आलू यहाँ पे काट के मैंने धो लिया, आलू मैंने छिलटे के साथ रखा क्योंकि मुझे छिलटे के साथ आलू पसंद है। ये जाएगा पत्ता गोभी के साथ सूखी सब्जी में। यहाँ पर बनाया है दाल, आज का दोपहर का लंच का मेनू है दाल और पत्ता गोभी की सूखी सब्जी, और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जीरा, तेज पत्ता और खड़ा गरम मसाला मतलब एक इलायची और एक दालचीनी डाल के, मतलब शौक का भी काम हो जाएगा। आलू को फ्राई कर रही हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, थोड़ा और फ्राई हो जाए तो इसमें मैं डालूँगी पत्ता गोभी जिसको उबाल के मैंने पानी भरा के रख दिया है। यहाँ पे अब इसमें मैं डालूंगी पत्ता गोभी, हल्दी नमक सब कुछ मिक्स कर दिया इसमें, एक मतलब हरी मिर्च लाल होगी वो भी डाल दिया, अब उसको ढक के दे दूंगी
क्या कर रही है लोग देख। तो सालन हमारा बन चुका है, तो देख सकते हो सूखा सूखा गोभी का सालन। अब इसको मैं उतार लूंगी। मिक्स कर बोले ना। कहाँ जा रहा है इधर? मिक्स कर बोले इधर आ जा इधर इधर गला उठा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, गला उठा, ऊपर देखो। क्या बोल रहा? मेरे पीछे पीछे आना। जॉन कर दिया। जॉन को देख लेते क्या बोल रहा। चलो चलो ठीक है। सिर्फ खत्म हो गया ना आप ही जो अरे रुक जा ना, चिप है इसमें ना खोखो मैं इसमें ही आ रहा। रुक माशा बैठ चला के रहती इसमें क्यों नहीं आ रहा? बैग पे उठ के देखो Thank you.
तो अभी मैं नहा के आई हूँ, जैसे कि देख सकते हो इब्बू का दूध मैंने ले लिया है। मैं नहा के आ चुकी हूँ और इब्बू का दूध पिलाऊंगी, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। फटाक से पहले मैं अपने बेटे को पिला देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, वो भूखा है। उसके बाद मुझे बाल बाल भी सुखाना है, तो चलिए पहले इब्बू को पिला देती हूँ, फिर मैं भी खाना खाती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिल करती हूँ। इब्बू को मैंने दूध पिला दिया, कपड़ा भी मैंने पसार के आ गई। ये है हमारा लंच, ये मेरा थाली, ये अनम का थाली, यहाँ पे पत्ता गोभी दाल, ये सेम यहाँ पे भी है। मैं थोड़ा ले लूँगी नमक। तो ये है हमारा आज का लंच, यहाँ से थाली ले जाके हम ज़मीन पे बैठने वाले हैं। तो चलिए आइए आप लोग मेरे साथ बिस्मिल्लाह कर लें, मैं भी फिलहाल खाना खा लेती हूँ मेरी बेटी के साथ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय। अनम जो है ट्यूशन चली गई, इब्बू मियाँ जो है वो सो गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इब्बू मियाँ सो रहे हैं। और अभी मैं करूँगी रिएक्शन वीडियो शूट, तो अभी जो है मैं ये वीडियो का एंड करूँगी। साथ ही साथ एक चीज़ जो है पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत सारे लोग मुझे समझाते थे, समझाते हैं भी कि जो कुछ भी होता है ना बहुत अच्छे रीज़न से होता है। अगर अभी फ़िलहाल तुम्हारी लाइफ में बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, या फिर अल्लाह ने उसमें भी कुछ बेहतर ही सोच के रखा है। तो नो डाउट ट्रस्ट में मैं बोल रही हूँ, ट्रस्ट में मैं बोल रही हूँ, जो सिचुएशन में हम रहते हैं या फिर जो सिचुएशन में हमारे साथ बुरा कुछ होता है या परेशानी आता है, उस टाइम पे हमको लगता है क्यों हमारे साथ, क्यों या फिर हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। लेकिन ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोग बोलते हैं कि आयशा तुम बहुत स्ट्रांग हो। तो बचपन से ही, पैदा होने से लेकर शादी होने से पहले तक मैं बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं थी, बहुत नाजुक से पाली हुई बाप की, एक जैसे मैं हमेशा बोलती एक लौती बेटी थी, लाड़की दुलाड़की। बस शादी के बाद सिचुएशंस ऐसे ऐसे देखे ना, मैं स्ट्रांग बनती गई। कोई भी पैदाइशी स्ट्रांग नहीं होता है, सिचुएशंस उसको स्ट्रांग बनाता है। और जो इंसान जितना स्ट्रांग होता है ना, समझ जाओ कि उसने उतना ही तकलीफ़ें और मुश्किलाहट जो होती है ना वो फेस किया है। जो इंसान को आप देखोगे ना कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, समझ जाना कि इसने लाइफ में एकदम पिक तक उसने जो है ना तकलीफ़ और परेशानी ही देखी है। और मुश्किल वक्त की जो होती है ना, बुरे वक्त की एक अच्छी चीज़, बुरे वक्त को भी जो होता है ना मैं बहुत ग्रेसफुली जो है ना एक्सेप्ट करती हूँ या फिर हैंडल करती हूँ। इसलिए क्योंकि बुरे वक्त का ना एक बहुत अच्छा खासियत ये है कि उसमें आपको अपना कौन है और पराया कौन है वो समझ में आ जाता है, और सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, और किसी भी चीज़ को अच्छे वक्त को बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं लेना है। ये आपको बुरा वक्त ही सिखाता है, अच्छे वक्त से आपको कुछ भी नहीं सीखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि अच्छे वक्त में सब अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, रिश्ते भी अच्छे होते हैं, दोस्त भी अच्छे होते हैं, दुश्मन भी जो है ना उनसे छुके रहते हैं, लेकिन उससे हमको कुछ सीखने को नहीं मिलता। लेकिन बुरे वक्त से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ख़राब सिचुएशन से कैसे हैंडल करना है, कौन अपना है कौन पराया है। और अच्छा वक्त जो है वो कभी परमानेंट नहीं रहता, ख़राब वक्त आता ही है। तो अच्छा वक्त जब आए तो घमंड बिल्कुल भी ना करना चाहिए, और बुरे वक्त भी आ सकता है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कहावत है कि हर काली रात के बाद एक का जो होता है ना सवेरा ज़रूर होता है। एंड एक साल हुआ है मुझे यूट्यूब में, और पिछले एक साल में मैंने ना बहुत रिश्ते बनाए और बहुत रिश्ते तोड़े, बहुत रिश्ते वाले लोगों को भी देखा है मेरे बारे में बुराई करते हुए। बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने देखा है सोशल मीडिया में, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन शायद एक बात तो सच होती है, एक्चुअली एक बात क्या, ये बात सच है कि जब बुरा वक्त होता है ना तो ऊँट पे बैठे हुए जो इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। और बुरे वक्त में हर चीज़ आपको जो है ना एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आता है। तो इस साल जो एक साल में जो भी हुआ, बोलते ना कहावत है कि हम हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए। तो सीरियसली आप अगर बुरे सिचुएशन में भी हो, अभी की बात मैं कह रही हूँ, जो जो लोग मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनमें से इक्का दुक्का लोगों का भी अगर बुरा वक्त चल रहा है ना, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, शुक्रगुजार बोलो, क्योंकि ये जो आपका वक्त जो बीत रहा है ना उसके बाद वाला जो वक्त आएगा ना वो आपके लिए अच्छा आएगा, और उसमें भी कुछ बेहतर ही होगा। अल्लाह की जो बोलते हैं ना, अल्लाह ने अगर आपके लिए कुछ सोच के रखा है तो वो अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता, और उसमें बेहतर ही होता है, उसमें बुरा कुछ भी नहीं होता है। हम हमारे लिए कुछ भी सोचे तो उसमें शायद हम धोखा खा जाए, लेकिन अल्लाह जो हर चीज़ हमारे लिए चूज़ करता है ना उसमें कभी भी गड़बड़ी नहीं होती। तो ना उदास मायूस नहीं होना और ना उम्मीद नहीं होना, उदास नहीं होना, क्योंकि अभी अगर बुरा वक्त चल रहा नहीं है जो तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, ट्रस्ट मी, मैं ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ,
अगर तुम्हारी लाइफ में जो भी कुछ अल्लाह कर रहा है ना, तो इसमें भी तुम्हारे लिए कुछ बेहतर ही होगा। ये हमको अभी समझ में नहीं आता है, लेकिन आगे जाके हमको समझ में आएगा। जब हो रहा होता है ना हमारी लाइफ में, तो हमको समझ नहीं आता है, हमको लगता है ये बड़ी बड़ी बातें, ज्ञान है। लेकिन जब वो चीज़ होने के बाद हमारे साथ कुछ अच्छा होता है ना, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर चीज़ एक रीज़न के लिए ही होता है। विदाउट एनी रीज़न कुछ भी नहीं होता है हमारे लाइफ में। तो बुरा वक्त भी आता है ना, तो उसको ग्रेसफुल एक्सेप्ट करो। और मैं तो बोलते मुंह छुपा के मत भागो, हिम्मत से एक्सेप्ट करो और हिम्मत से उसके साथ लड़ो। और जब उसको लड़ के तुम हरा दोगे ना, उसके बाद जब तुम्हारा अच्छा टाइम आएगा ना, तो एक दिल से होगा ये बात मैंने हरा दिया। तो थैंक यू सो मच मैं बोलूँगी उन लोगों का, जिन जिन लोगों ने मेरे पीछे चाकू घोपा है। भाई बहन बनके जो है ना, मेरी बुराइयाँ, मेरा ये मेरा वो जो क्या, थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मैं अपने वालिद और वालिदा को बोलूँगी, मेरे माँ बाप को बोलूँगी, जिन्होंने मुझ में इतना ताकत दिया है, ऐसी अपब्रिंगिंग दिया है। मेरी जगह अगर बहुत दूसरा कोई इंसान होता ना, तो वो शायद सुसाइड कर लेता। मेरे मन में भी काफ़ी टाइम आया है ये ख्याल। बट मेरे अंदर ना एक क्या बोलो आपको, एक लीडरशिप बोलो या फिर एक क्या बोलूँ मैं, एक वरियर टाइप का एक वो है कि मैं हार नहीं मानती यार। मेरे को हार मानना बचपन से सिखाई नहीं। कोई अगर मेरे को एक करता ना, मैं दो देती इसको, कोई एक देता ना। मैं कल ही अपने पति को बोली कि मैं सुन के लेने वाला से या झेल के लेने वाले से, कोई अगर मुझे एक देता है तो मैं दो देती। मैं उस टाइप की इंसान हूँ। और शायद मेरी इस बिहेवियर की वजह से शायद आज भी मैं यहीं पर हूँ। मेरी एक लाइफ की छोटी सी एक इंसिडेंट बताती हूँ, अभी की रिसेंट की बात है, दो महीना या दो महीने पहले की बात है। अभी भी मेरे लाइफ में मतलब अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, बट दो महीना पहले बहुत मेरा जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। बहुत इससे पहले भी एक बार पिछले साल बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था। तो दो महीना पहले जो है ना मेरा टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा था, और मेरी एक अच्छी खासी एक अर्निंग थी, मतलब अच्छी खासी अंदर से मतलब छोटी मोटी एक अर्निंग थी जो आती थी, जो होता था, मतलब छोटे मोटे जो खर्चे होते ना, थोड़ा बहुत मोबाइल का रिचार्ज, टीवी का रिचार्ज, ये हो जाता था। तो उस टाइम पे ना ये अर्निंग मेरी बंद हो गई थी, और मैं उस टाइम पे मेरा दिल बहुत उदास हो गया था, क्योंकि 1000-2000 भी मेरे लिए बहुत मायने रखते थे, बहुत मायने रखते हैं, बहुत मायने आज भी। आगे का मुझे पता नहीं, और मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल ज़रूर बनूंगी। ये मेरे अंदर से जो है ना, ये मेरे एक विल पावर है मेरे, तो मैं ये कहती हूँ, मेरे गट्स कहता है कि मैं सक्सेसफुल तो ज़रूर बनूंगी, ज़रूर बनूंगी, मुझे पता है मैं बनूंगी। क्योंकि मैं जो है ना, मैं कोई भी काम करती हूँ 100% करती हूँ, मैं यूट्यूब में भी अपना 100% देती हूँ। तो उस टाइम पे जब मेरा वो काम बंद हुआ था ना, मैं अंदर से बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे जैसे लोगों के लिए ना 1000-1000 रुपये के 100-100 रुपये भी बहुत मायने रखते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं वापस से अपना, मतलब कि मैं अपना दूसरा ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करूँगी और व्लॉग्स डालूँगी, क्योंकि कुछ दिन बाद पहले तक मेरे लिए रिएक्शन वीडियो भी शूट करना जो है ना बहुत मुश्किल लगता था, टाइम निकालना। बट मेरा जब वो काम बंद हुआ, मुझे लगा था क्यों यार मेरे साथ, क्यों मैं गरीब हूँ, दो पैसे कमा रही, तो वो क्यों बंद होगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि अल्लाह चाहते थे कि मैं अपना दूसरा चैनल जो है डेली व्लॉग चैनल स्टार्ट करूं और डेली व्लॉग लेके आऊं और आप लोगों के सामने वापस से मेरी जो ज़िंदगी रोज़मर्रा की मैं दिखाऊं। बट मेरा वो जो अर्निंग है वो बंद हुआ, फिर मैंने डेली व्लॉग चैनल खोला। और जैसे कि रोज़ आप लोगों के सामने एक दिन का गैप में मेरा डेली व्लॉग आता है, मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी आप लोगों से रूबरू करवाती हूँ, और उससे भी जो है ना थोड़ा बहुत उसमें भी व्यूज़ आते हैं। तो अगर मेरा वो अर्निंग बंद नहीं होता, तो शायद मैं दूसरा कुछ और अर्निंग का सोचती नहीं, मैं रिएक्शन चैनल ही मतलब चलाती रहती। लेकिन मेरे खुद की आइडेंटिटी बोलो या फिर मेरे मतलब इनकम का एक और एक सोर्स मुझे शायद सोचता नहीं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोलते ना, हर हाल में जो है ना अल्लाह का शुक्रगुजार करना चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वो चैनल बंद हुआ। मेरी एक दोस्त है नाजो, ये चैनल चलाने के पीछे, जो डेली व्लॉग में डालती हूँ ना उसका वो अपलोड करने से के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो मैं बोलूँगी मेरे डेली व्लॉग का चैनल खोलने के पीछे सबसे बड़ा हाथ नाजो का है। क्योंकि वो एक ऐसी इंसान है जो मुझे पीछे से धक्का देती है किसी ना किसी तरीके से। वैसे तो वो मुझे बोलती रहती थी तो शूट कर। मैं तो यार नाजो मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं कब शूट करूँगी, कब क्या करूँगी, उसको बोल के वो वहाँ पे टाल देती थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ मेरे और नाजो के लाइफ में, मतलब ऐसा एक बात हमारे सामने आई जिससे हम दोनों ही जल भूल नहीं सकते। मतलब गुस्सा था हमको कि हमको ऐसा मौका क्यों नहीं मिलता। ऐसा कुछ इंसिडेंट था, उसने मुझे बताया और मेरी भी पीछे एकदम आग लग गई। मैं भी बोली कि अब तो स्टार्ट कर लेंगे डेली व्लॉग करके, स्टार्ट करी
और उसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरा ये चैनल का नाजो को, क्योंकि वो अगर पीछे से मुझे पुश नहीं करती डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो मैं शायद डेली व्लॉग स्टार्ट ही नहीं करती, और मेरा जो डेली लाइफ है आप लोगों के सामने जो है आता नहीं, सिर्फ रिएक्शन चैनल ही रह जाता। तो मैं कहने का मतलब यही है कि हर हाल में शुक्रगुजार होया करो, कुछ अगर बुरा हो रहा है तो नाउम्मीद मत हो, होपलेस मत बनो, क्योंकि क्या पता उसके बाद जो भी होगा अच्छा ही होगा, अल्लाह ने इससे भी बेटर आप लोगों के लिए कोई ऑप्शन रखा है, मेरा कहने का मतलब यही है। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्वामी याद रखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड कमेंट करके अपना जो ओपिनियन है वो ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।